शैमडे जेके में आप सबका स्वागत है। मैं कीर्तिगढ़। सरकार चाहे पीडीपी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, या चाहे किसी की भी सरकार हो, नुकसान हमेशा कश्मीरी पंडित को क्यों उठाना पड़ता है? कहने का अर्थ ये है कि कल हमारे एक प्रिय नेता, एक सोशल एक्टिविस्ट, नौसून कश्मीर के प्रेसिडेंट, कांग्रेस लीडर श्री शादीलाल जी, राहुल गांधी की जो रैली थी उसको अटेंड करने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक ट्रक हिट करता है और दूसरा ट्रक उनको वहीं पे कुचल देता है, जिसके नतीजे में शादीलाल पंडिता जी का निधन हो जाता है ऑन स्पॉट। और ये शोक लहर पूरे कश्मीरी पंडित समाज में कल रात से ही वायरल हो जाती है। हर तरफ से हर एक शख्स लगभग कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करता है और एक शोक लहर पूरे कश्मीरी समाज कम्युनिटी में फैल जाती है। बॉडी मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में पहुंचती है, सुबह बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और शादीलाल पंडिता जी के पार्थिव शरीर को उनके घर यानी जगती टाउनशिप में लाया जाता है, जहां पे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के वो भी वहां पे देखे जाते हैं। कांग्रेस के नेता श्री रमन बाला जी को भी वहां देखा जाता है। बहुत ही दुखद घड़ी कल से सोशल मीडिया पे सैड न्यूज वायरल हो रही है। शादीलाल पंडिता जी की बात करूं तो काफी काम उन्होंने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए किया, जगती वासियों के लिए किया है। हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेके प्रदर्शन करते थे, चाहे वो मुद्दा बिजली का हो, पानी का हो, राशन का हो, या रिलीफ बढ़ाने की मांग हो। काफी समय से वो सरकार के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वो प्रदर्शन करते दिखे जाते थे। शादीलाल जी की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरते थे। अब उनके परिवार की बात करूं तो उनके परिवार में उनकी धर्म पत्नी है, उनका बेटा है, उनकी बहू है और छोटे छोटे उनके दो बच्चे हैं बेटे के। तो जो बेटा है वो शारीरिक तौर से विकलांग है, उसका परिवार भी ये शादीलाल जी चलाते थे, अपना परिवार भी चलाते थे। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि परिवार का जो कमाने वाला था वो उनसे छीना गया। रोड एक्सीडेंट में शादीलाल पंडिता जी का निधन होता है और परिवार का जो कमाने वाला था, परिवार का जो पेट पालने वाला था, उसका देहांत होता है। अब जो पीछे परिवार रहा, सवाल है कि उनका गुजारा कैसे होगा। आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप भी इस बारे में जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, जगती के जो लोग हैं खासकर, क्योंकि जगती वासियों के लिए शादीलाल जी ने हमेशा प्रदर्शन किए हैं, कम्युनिटी की हेल्प के लिए हमेशा निकले हैं, तो आज आप लोग भी उनके लिए आगे आए। सरकारी नौकरी की मांग हम सबको करनी चाहिए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए ताकि उनका पेट कोई भरने वाला हो, कोई वहां पे उनको, उनका जो परिवार है, कोई कमाने वाला उस परिवार को मिले, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए परिवार के साथ। हजारों की तादाद में आज वहां पे लोगों को देखा गया, सबकी आंखें नम थी, बहुत ही दुखद घड़ी थी पूरे परिवार के लिए, पूरे कश्मीरी पंडित समाज के लिए, सबकी आंखें नम थी। लोगों ने नारे लगाए कि शहीद शादीलाल पंडिता जी अमर रहे, शादीलाल पंडिता जी जिंदाबाद। सबकी आंखों में आंसू देखे गए वहां पर, सब रो रहे थे अपने प्यारे नेता के लिए, जिसका बहुत ही बेदर्दी से, बेरहमी से हिट किया जाता है और ऑन स्पॉट उनका देहांत होता है। आप किस तरह का इंसाफ चाहते हैं शादीलाल जी के परिवार के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच सके और शादीलाल जी के परिवार को कोई कमाने वाला मिले, किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और वो सुख शांति से अपना जीवन जी सके। कीर्तिदार शैंडिया जी।